अब आपको गेस करके मेरे को कमेंट में बताना है, बट कैसी लग रही चीज है। ओ भाई ये क्या हो गया भाई, मानो ना मानो क्यूट तो है। अनदर हार्ले इनकमिंग। भाई बाइक बंद कर दी, चाबी निकाल दी, उसके बावजूद एक आवाज आ रही है। माय डियर लवली पीपल, की हाल चाल, सत श्री अकाल। अबे खड़ी हो जा बे, ये वाली लाइट खड़ी नहीं होती है। बड़ा अभी बोलोगे इतना ड्रामेटिक सा आपने ऑफिस का सीन क्यों बना रखा है। दोस्तों मैं कुछ इंस्टाग्राम के लिए शूट कर रहा था, आपको पता आपका भाई हो गया आजकल बड़ा इन्फ्लुएंसर, सो एक ब्रांड के लिए शूट था इंस्टाग्राम पे। प्लीज फॉलो करो, प्लीज करो मेरे 1 मिलियन। मैं आपको बदले में बताया क्या क्या दूंगा, स्पोर्ट्स बाइक नहीं दे सकता हूँ मैं अगर इतने पैसे आए तो, बट डेफिनेटली स्पोर्ट्स बाइक चलाने के लिए जो चीज आपको जरूरी चाहिए, अच्छे राइडिंग गियर्स चाहिए, अच्छा हेलमेट चाहिए, सो लेट मी प्रॉमिस यू गाइस, एंड साथ में क्या पता गोप्रो भी दे दूं या इंस्टा 360। इसीलिए रिक्वेस्ट है वीडियो के स्टार्टिंग में ही मैं ये प्लग कर रहा हूँ बात कि भाई इंस्टा पे फॉलो करो, सारे वीडियो देखना। मैं इंस्टा पे लाइव जाऊंगा, कुछ सवाल पूछूंगा, जो जीतेगा ना उसको मैं इनमें से कुछ ना कुछ देने वाला हूँ। बट हेल्प मी टू ग्रो एंड रीच 1 मिलियन ऑन इंस्टाग्राम। अभी भाई एक छोटा सा चैलेंज आ रहा है, वो ये है कि मेरे को ना आज H2 छोड़नी थी फॉर द रैपिंग। मेरी H2 का ऐसा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है जो किसी ने सोची नहीं होगी। मैंने एक रैप डिजाइन करवाया है, एक थीम पकड़ी है, और मेरे को लगता है कि इंडिया में तो डेफिनेटली इस थीम के ऊपर बाइक्स नहीं है। बट मैंने गूगल करके देखा था खुद से, हार्डली मुझे एक आधी बाइक दिखी थी, वो भी एक बहुत ना डिस्टॉर्टेड सी इमेज दिखी थी मुझे S1000R की इस कलर ग्राफिक में। सो टेक्निकली दिस इज वन ऑफ अ काइंड इन द वर्ल्ड। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, मैं सिर्फ दूर दूर की नहीं छोड़ रहा हूँ, मैं आपको सच बता रहा हूँ। डिज़ाइन भी बहुत एक्सक्लूसिव है, और डिज़ाइन जिस मीडिया पे प्रिंट हुआ है, मतलब कि जो यहाँ पे रैपिंग पेपर यूज़ हुआ ना, दैट इज़ ऑल्सो स्पार्कलिंग एंड शाइनिंग एंड इट इज़ ऑल्सो ऑफ अ डिफरेंट काइंड। तो स्टे ट्यून्ड, स्टे एक्साइटेड, शुरू करेंगे आज का ब्लॉग यहीं से। दोबारा हिंट है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको मेरे को कमेंट में बताना है कि ये कार्टून करेक्टर कौन सा है, और yes. पाजी से पूछेंगे, पाजी सही टाइम पे आए। बिल्कुल भाई, मेरे को एक चीज लगी, रील देखी मैंने तो मैं बहुत एक्साइटेड हो गया कि क्या चीज आई है, पर अब जो मैं एक्चुअल अपनी आंखों देखी देख रहा हूँ भाई, बहुत सुंदर लग रही है। तीसरा जब ये बाइक पे लगेगा ना, ओ बहुत सुंदर लग रही है, मजा आ जाएगा दोस्तों। तो ये वाला जो रैप है ना, वो इसके अंदर में आया था, इस ट्यूब के अंदर में, बट साथ में ना एक एडिशनल ट्यूब भी आई थी ये वाली। अब इसके अंदर गेस करो क्या है। अगले ट्रिप के लिए बहुत सारे स्टिकर्स है मेरे पास में, जीएस फिल्म्स के, साथ में हमारी हायबुसा के, जस्ट हैव अ लुक। बहुत सारे हैं, बहुत सारे हैं, तो ये मैं रखने वाला हूँ अपनी नॉर्थ ईस्ट ट्रिप में अपने साथ में। अगर आप लोग मेरे को वहां पे मिलोगे तो सब आके हेलो बोलना और स्टिकर लेके जाना, कि किसी ने भी ना ये चीज लगवाई नहीं। और ये थीम, अब इनको थोड़ा और हिंट दे देते हैं, नहीं तो ना इनको समझ में आएगा। देखो भाई ये आंखें किसकी हैं, ठीक है। So this is the hint for the H2. अभी का एक बहुत बड़ा चैलेंज है H2 मेरे पास में खड़ी है यहीं पे, बट उसके अंदर लगे हैं स्पाइक टायर्स। क्यों? हम जब बर्फ में चला के आए थे ना, तब से चेंज ही नहीं कराया, उसके बाद से मैं ट्रेवल कर रहा हूँ, वो करके आए, फिर स्पीति चले गए आते ही, फिर मैं यहाँ चला गया, वहां चला गया, नेपाल चला गया, बट फाइनली इस हफ्ते में थोड़ा सा टाइम है तो ये बाइक कल छोड़ के आएंगे H2 के लिए। बट आज के अभी एक एक्साइटमेंट है, बाजी लेके आए अपनी हार्ले, मेरा दिल कर रहा चलाने का, यहाँ से बाहर निकल रहे हैं, बिकॉज वी हैव टू डिस्कस द प्लान फॉर द नॉर्थ ईस्ट, क्योंकि कुछ चैलेंजेस आ रहे हैं, बट अभी हमें प्लान करना है रोड ट्रिप। इसीलिए अभी ऑफिस से निकलते हैं, कहीं बैठते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग करते हैं, और आपसे करते हैं थोड़ी और बातें। A few moments later. क्या कह रहे हो? मैं यहाँ भी हूँ, मैं वहाँ भी हूँ। अच्छा मेरा बॉडी डबल है इंदर भाई। सो भाई सेम रेविट जैकेट, एक्सोर कार्बन हेलमेट, थोड़ा सा डिफरेंस है बस, वो फोर्स कार्बन है, मेरा कार्बन कार्बन है, बट डेफिनेटली सम डे फॉर सम शूट हम इनको यूज कर लेंगे, क्योंकि हमारी दोनों की तोंद सिमिलर है। मैन ऑफिस से बाहर निकलने की खुशी, ओए सो ब्यूटीफुल वर्ल्ड विद लॉट ऑफ ब्यूटीफुल पीपल अराउंड, फीलिंग है बोरो, फीलिंग है। I was feeling more alive until I was stuck in the traffic. फिल गए, रोना पड़ गया मैं कि क्या गलत टाइमिंग चूज कर लिया, ये भी क्या लाइफ है। इसके बारे में हम लोग भूल गए थे, 5-5-5। तो पहला काम है अभी फ्यूलिंग करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं हार्ले चला रहा हूँ। पिचक्याओ पिचक्याओ
क्या हाल है भाई तेरे? लॉन्ग टाइम, कैसा है? ठीक है? हाँ, तुम मिलते ही नहीं भाई, बड़े आदमी हो गए, तुम्हारा प्रमोशन हो गया मैंने सुना है। हैं? ओ भाई, ये क्या हो गया? ये क्या देख लिया मैंने पेट्रोल पंप पे? एक बारी को लगा लाश जा रही है। चलो भाई, अब बाइक स्वैप होने की बारी है, क्योंकि हमने ये डिसाइड किया था फ्यूलिंग करवा देंगे, उसके बाद निकलेंगे। चाबी दे दो, चाबी। चाबी कहाँ है? सो हियर इज अ फॉब फॉर द हार्ले। आपको पता है ये कीलेस एंट्री है, कीलेस स्टार्ट है, तो ये जो फॉब है इसको जेब में अच्छे से संभाल के रख लूँ पहले मैं। आवाज सुन भाई, ऐसे लगता है बस बादल गरज गए, बादल फट गए। मजे ही मजे। गोस्ट राइडर वाला भाई है, मतलब ये ना बहुत डिफरेंट भाई है, इसका पोस्चर बहुत अलग है, नॉर्मल हार्ले से हटके है, अलग चाम है भाई, हार्ले का एक अलग चाम है। कौन ऐसा नहीं है जो हमें नहीं देख रहा भाई, मेरे को बताओ, दिखाओ एक बार। हर बंदा मुड़ मुड़ के देख रहा है, ये है चाम इस आवाज का भाई। हाँ जी भाजी, हाउ आर यू? क्या हो रहा है? आ रहे हैं ग्राउंड मार के, निकले इसीलिए, अब बैठेंगे आगे। ये ले ली मैंने, ओ या अच्छा याद दिलाया, गाने भी हैं इसमें। अभी कनेक्ट करता हूँ अगले राउंड में। तो पाजी ने सही याद दिलाया भाई, इसमें म्यूजिक सिस्टम भी है, वो भी बजा के सुनाएंगे आपको। बट फिलहाल चलो दिल की बात पे कंटिन्यू करते हैं। दिल की बात ये है, मेरे पास एक छोटी हार्ले जो मेरे लाइफ की पहली हार्ले X440, बट मुझे एक बड़ी हार्ले चाहिए लाइफ में, ऐसी जिसमें ऐसा ग्रंट हो, थंप हो, ये आवाज़ हो। तो इसलिए फैंसी दिखनी चाहिए, आवाज़ होनी चाहिए। एंड लेट्स होप बाय ग्रेस ऑफ गॉड इस महीने, मतलब इन द मंथ ऑफ मई और इन द मंथ ऑफ जून मैं खरीद लूँगा। सो आई एम शेयरिंग दिस न्यूज़ विद यू गाइस, स्टे ट्यून्ड, स्टे एक्साइटेड। लेट्स होप हमारे गैराज में क्या ऐड होने वाला है, बट डेफिनेटली एक न्यू हार्ले आ रही है, अनदर हार्ले इनकमिंग। मानो ना मानो क्यूट तो है, बात तो सही है। एग्जॉस्ट देखो यार, मतलब सच्ची में आप लोगों के कमेंट भी मेरे को मिले, बट देखो मेरा टेस्ट बहुत अच्छा है, मैं मुंह पे बात बोल दूं, बहुत कम चीजें जो मेरी खराब निकलती हैं, बट एवरीथिंग मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ ना। देखो जब से मैंने एग्जॉस्ट लगाया मैंने ऐसे नहीं देखा है, सबने देखा है मेरे को ये बाइक चलाते हुए, बट टुडे आई हैव दिस अपॉर्चुनिटी टू सी माय बाइक लाइक दिस एक्सेल करेरा रॉक्स SDA ढाबे। बताओ, एक मूवी आई थी रणवीर कपूर की जिसमें गाना है तू है के नहीं, तो वो नाइट रोड चलाता भाई, फीलिंग तो मेरे को वैसी आ रही जैसे मैं बैठा हूँ। न्यू रोड बना है यहाँ पे, एंड वी आर क्लोज टू वसंत कुंज। मेरे लेफ्ट में है JNU, आपने बहुत सुना होगा, अक्सर खबरों में रहता है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। पहले कभी एंट्री हो जाती थी मेरी इस कैंपस में, मेरे कोई जानकार लोग थे, अभी तो नहीं होता बॉस, बट हमारे जवानी के दिनों में हम अंदर घुस के भी शूट कर सकते थे, इमेजिन भाई। देखो सेम अटायर ना, अच्छा तो लग रहा है, ऐसे लग रहा है स्कूल के बच्चे निकले होमवर्क करने के लिए, ट्यूशन जा रहे हो बाइक लेके, बड़ी बड़ी मजेदार। देश का दिल दिल्ली, पीछे चला रहा है मेरी 6R बिल्ली, मेरा भाई। भाई ये एरिया देखो कितना सुंदर कर दिया यार, मेरे राइट में ना 3 फेमस मॉल्स हैं, यू नो, उसके जस्ट ऑपोजिट में इतना खूबसूरत, 2 मिनट के लगा मुझे मैं दुबई में चला रहा हूँ क्या, मतलब सिर्फ इस एरिया को देख के, नॉट द अदर साइड। बैक टू द बेस, जाना लेफ्ट है, इंडिकेटर भाई ने राइट का दे रखा है। सो दोस्तों बस एक छोटी सी राइड और माइंड हो गया फ्रेश, अब हम यहाँ बैठेंगे, चाय ऑर्डर करेंगे, कुछ खाने को हल्का सा स्नैक्स ऑर्डर करेंगे, और साथ में ना प्रोजेक्ट प्लानिंग, प्रोजेक्ट नॉर्थ ईस्ट, प्रोजेक्ट तवांग सेला पास, यू नो, सो उसकी तैयारियाँ करनी है, द राइट प्लेस टू सिट, क्योंकि यहाँ ऑक्सीजन ज़्यादा है, पीछे में ना बहुत ग्रीनरी है तो दिमाग को ऑक्सीजन मिलता है यहाँ पे। A few moments later. So, भाई राइड बढ़िया रही थी, राइड के बाद जस्ट मैं ऑफिस आया, ऐसे ही आउट ऑफ क्यूरियोसिटी ना मैं और हर्षित देख रहे थे कि भाई H2 स्टार्ट होती है नहीं होती, इतने दिन हो गए।
सो अभी क्या सामने आया, मतलब कि इतनी अजीब चीज हो रही है ना हमारे साथ, हमको समझा नहीं पाएंगे। यानी फ्यूल पंप की आवाज नहीं है, और आपको बता दूं यहाँ पे डायनोजेट लगा हुआ है, मतलब पावर कमांडर लगा हुआ है, उसकी भी आवाज नहीं है, उसकी एक अलग सी आवाज आती है तीखी सी। पहले मेरे को लगा चूहा घुसा हुआ भाई, मेरी हवा टाइट, मैंने कहा भाई गई सारी वायरिंग गई, बट कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है हमारी H2 के साथ में, वर्कशॉप लेके जाना पड़ेगा इसको। भाई बाइक बंद कर दी, चाबी निकाल दी, उसके बावजूद एक आवाज आ रही है, समझ से बाहर है, तो एक्सपर्ट्स की हेल्प यहाँ लगेगी, क्योंकि हमारे को कोई लॉजिक नहीं मिल रहा कि क्या चीज आवाज कर रही है, तो इसका पता जरूर लगा जाएगा। बट फिलहाल इतना बोलता हूँ, द डे वेंट ऑसम, इट वॉज लिटिल लॉन्ग, आई एम एक्साइटेड। कल इसमें टायर चेंज करवाएंगे और इसको लेके जाएंगे रैपिंग के लिए। रैप कैसा लग रहा है भाई? ये तो भाई मजेदार है भाई, मैं तो कुछ दिखाना भी नहीं, ग्लिम्स ही दिखाओ। हाँ ये चीज तो ग्लिम्स देख ली, और जो क्वालिटी दिख रही है ना, और जो ऐसी चीज नहीं है भाई, मैं फिर बोल रहा हूँ, वन एंड ओनली इन द कंट्री एंड प्रोबेबली इन द वर्ल्ड, दिस इज फॉर श्योर। बहुत अलग से मैंने अपने हिसाब से ये थीम बनाया, एंड इट्स हियर, वेट फॉर नेक्स्ट ब्लॉग टुमारो, 500 कमेंट्स का रहेगा इंतजार। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, साइनिंग ऑफ जेसन विद हर्षित, बाय।